जिसने चाय पीनी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारी इसी पे बहुत ज़्यादा मैल जमा हो गई है। ये देखिए जी, आज मैं इसकी मैल कैसे हटाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कोलगेट की मैंने टूथपेस्ट ली है, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और जिसके बाद हमारी इस्त्री जो है ना बिल्कुल साफ शफाफ तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इस पर मैल बहुत ज़्यादा जमी हुई है इस वजह से बस ये है कि ये ख़त्म हो जाएगी ऊपर से और इस्त्री जो है ना साफ हो जाएगी और कपड़ों को नहीं चिपकेगी। और जी फ्रेंड्स, आधा घंटा लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया था और ना ये जो है बिल्कुल इसके साथ यानी कि इसके साथ चिपक गया है। तो थोड़ा सा हम इसको वेट करेंगे, गीला करेंगे, एक यानी कि एक ड्रॉप जितना पानी इसमें डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट हो जाए, इसकी झाग बन जाए। ये देखिए ब्रश की मदद से मैं इसको साफ कर रही हूँ, रगड़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो मैं कर रही हूँ अपना फेशियल। आज मैं टमाटो से यानी कि टमाटर से अपना फेशियल कर रही हूँ। टमाटर मैंने ले लिया, उसको दो हिस्सों में कट कर लिया है और मैंने इस पर लगा लिया ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन वो जो। तो जी अब मैं इसको जेंटली जो है इसका मसाज करूँगी सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से आपने करना है। तो इससे आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो आएगा, ऐसा लगेगा कि अभी अभी आपने फेशियल किया है। तो टमाटर और बेसन जो है ना बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो अभी से आप देख सकते हैं दो तीन नहीं बल्कि पूरे 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है बिल्कुल स्लो स्लो हाथों से। और ये देखें अभी मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कितना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें जी, अब मैंने जो है ना इसको वॉश कर लिया है तो आप मेरे फेस पे रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं कपड़े से जो है ना बिल्कुल साफ़ करके आपको अपना फेस दिखाती हूँ। कोई मेकअप मैंने अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल मेरी रियल स्किन है। मैं सिर्फ सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं देसी टोटके जो है ना इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ मेरी स्किन जो है इस तरह से है। जो आजकल क्रीम्स वगैरह चलती हैं जो आप यूज़ करते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो अगर आप घरेलू चीज़ें लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो ऊपर मैल थी वो सारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब ब्रश पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा बिल्कुल ऐसे एक ड्रॉप जितना पानी डाला है और हम अच्छी सी इसकी झाग बनाएंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों की सौगात मूंग पे, बोलते कि इतनी सर्दी है तो हर चीज़ जो है ना वो अंडे बॉईल कर करके खा रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। और जी आज मेरा दिल कर रहा था चिकन पीस खाने को, आज हमने पीस मंगवाया, जिसने भी खाना खाना है आज है। तो जी हमारी नाइट की जो है ना चाय बिल्कुल तैयार हो गई, चाय भी हमारी बन के रेडी हो गई है क्योंकि रात को खाने के बाद जो है ना चाय बहुत ज़रूरी होती है। एक तो सर्दी से काफ़ी आराम मिलता है और ना नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जिसने चाय पीनी आ जाए। आपको आज बताऊंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे कर सकती हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो चल रही है, इसके नीचे ही ये देखिए लिखा हुआ है खतीजा इन्फो यानी कि मेरे चैनल का नाम। उसके साथ ही सामने ही बिल्कुल आपको रेड कलर का सब्सक्राइब नज़र आएगा तो आपने इसको सब्सक्राइब कर देना है। ये देखिए यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है तो ये समझे कि ये ब्लैक हो जाएगा और ये सब्सक्राइब हो गया। और उसके आगे आएगा आपको बेल का एक निशान नज़र, फिर आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जी सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ऑल, फिर आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन भी आपने ऑन कर दिया है। तो जी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप जो है ना मेरे चैनल पर आएंगे और ऐसे ही हमें जो है ना सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।